छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना ताकि हाँ पता है ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है लेकिन क्या नजर भी दूर की है। रुको मैं जरा एक बार देख लूं आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहाँ से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना ताकि आपको बचाया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू, आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार हिमस्खलन के लिए, पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी।